सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस सहित हिंदी मार्केट में भी काफी शानदार कमाई कर रही है। आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों इन 4 दिनों में इस फिल्म ने हिंदी सहित वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो के 4 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दोस्तों इस फिल्म का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसे कि रिलीज किया गया था 2018 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म को ईद के मौके पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म रेस सीरीज की 3री फिल्म थी। इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार सलमान खान के साथ बॉबी देओल, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडीज और कई सारे स्टार्स नजर आए थे। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के नोलान रेमो डिसोजा ने। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। और दोस्तों इस फिल्म का बजट भी लगभग 165 करोड़ से ज्यादा का था। इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म 2018 की एक मच अवेटेड फिल्म थी, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान थे। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन काफी आउटस्टैंडिंग कमाई की थी और कमाए थे 29 करोड़ 17 लाख रुपए, जो कि एक तरह से काफी बड़ा कलेक्शन है। वही दोस्तों इस फिल्म को भी काफी नेगेटिव रिव्यूज ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से मिले थे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 38 करोड़ 14 लाख रुपए और अपने तीसरे दिन कमाए थे 39 करोड़ 16 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म सिर्फ अपने 3 ही दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 104 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी, जो कि एक रिकॉर्ड कमाई थी। वही अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग 4थे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने 4थे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की और कमाए 14 करोड़ 24 लाख रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो अपने 4 दिनों का हो चुका था लगभग 120 करोड़ रुपए का और 165 करोड़ के बजट से बनी दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में 144 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई कर ली थी। दोस्तों इस फिल्म का जो ऑल ओवर इंडिया से टोटल कलेक्शन था वो रहा था 169 करोड़ 50 लाख रुपए का। वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने टोटल कमाए थे लगभग 300 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। अब अगर यहाँ पर बात कर लिया है सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि साहो भी इस साल की एक मच अवेटेड फिल्म थी, जिसका कि बजट लगभग 350 करोड़ रुपए का था। बताया दोस्तों आपको कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के लीड में आपको पैन इंडिया के पहले सुपरस्टार प्रभास और श्रद्धा कपूर नजर आए थे। वही दोस्तों उनका साथ दिया था हिंदी मार्केट के बिंदास बिड़ू, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और नील नितिन मुकेश ने। वही दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुजीत ने। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन से हिंदी मार्केट में काफी अच्छी पकड़ बना के रखी थी और लगभग 3700 स्क्रीन पर लगने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 24 करोड़ 40 लाख रुपए। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी मिक्स रिव्यूज और क्रिटिक्स की तरफ से फैलाई गई नेगेटिविटी के बाद भी इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई और कमाए 25 करोड़ 20 लाख रुपए। वही दोस्तों तीसरे दिन में इस फिल्म ने काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाए लगभग 29 करोड़ रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो 3 दिनों का हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हो चुका था लगभग 78 करोड़ रुपए का। अगर दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन किए जाए, तो सुपरस्टार प्रभास की फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 दिनों में कमाए हैं 78 करोड़ रुपए, वहीं सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म ने अपने 3 दिनों में कमाए थे लगभग 106 करोड़ रुपए। इस तरह से यहाँ पर वीकेंड कलेक्शन में तो सुपरस्टार सलमान खान आगे हो चुके थे। अब यहाँ पर बात कर जाए अपने 4थे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताया दोस्तों आपको कि सुपरस्टार प्रभास की फिल्म अपने 4थे दिन भी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी आउटस्टैंडिंग कमाई कर रही है और दोस्तों आज ये फिल्म अपने 4थे दिन कमाने वाली है लगभग 16 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम लोग रेस 3 के 4थे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों रेस 3 ने अपने 4थे दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे लगभग 14 करोड़ 24 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों हो सकता है कि सुपरस्टार प्रभास की फिल्म अपने 4थे दिन सलमान खान की फिल्म को क्रॉस कर दे और इस फिल्म से आगे निकल जाए। आपके हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही एक्शन थ्रिलर फिल्मों में किस फिल्म का एक्शन ज्यादा अच्छा रहा, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।